हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऋतु सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो और किसी हमारे समाज की बेटी के साथ ना हो, वो इसी चीज को उन्होंने भी विरोध किया और इस विरोध के प्रदर्शन में हम भी आए हैं। पता नहीं क्या मजबूरी होगी उनकी कि अगर 10 लोगों का परिवार है तो एक इंसान कमाने खाने वाला है। उन लोगों की थाली से निवाला छीना इन लोगों ने। जय भीम साथियों, मेरा नाम अरुण है और इस समय हम दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में, यहाँ पर डॉक्टर ऋतु सिंह पिछले 140 दिनों से अधिक समय से धरना दे रही हैं DU प्रशासन के जाति भेदभाव और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ। और यहाँ पर अभी जो उनका पूर्व का धरना स्थल था उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया है, पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हुए हैं, डॉक्टर ऋतु जी हैं, प्राचा जी हैं और सभी लोग वहीं बैरिकेडिंग के पास बैठ गए हैं और अपनी बात छात्रों से, समाज के लोगों से कह रहे हैं। मुस्लिम समाज से हूँ और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, अगर इस बहन को किसी ने आँख उठा करके देखने का काम किया तो ये मोहम्मद समीर उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। सर्वप्रथम मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ कि आज आप अब हमारी बड़ी बहन डॉक्टर ऋतु के संघर्ष को देख के और उनके लिए मीडिया की मदद करने आए। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज सभी को पता है कि आज 19 जनवरी को जो ये इतना बड़ा धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टर ऋतु जी के लिए, यहाँ पर सभी बहुजन नेताएँ इकट्ठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो नौकरी नहीं, हमें न्याय चाहिए। अगर उनको नौकरी ही चाहिए होती तो आज 4 साल से वो संघर्ष नहीं कर रही होती। आज करीबन 145 दिन से वो धरने पर बैठी हुई हैं। उनके धरने को भी प्रोटेक्स को पुलिस के द्वारा ऐसे बुरी तरीके हटाकर उनके साथ में अत्याचार किया गया है। और आज हम सभी बहुजन नेताएँ और छात्र शक्ति ये मांग करती है और सरकार से और BJP सरकार से कह देना चाहती है, अगर ऐसी तरीका से अगर करते रहे ना, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, उस कुर्सी से खींचने का काम करेगी ये छात्र शक्ति। आज जिस तरीके से हमने आह्वान किया था, डॉक्टर ऋतु ने आह्वान किया था कि 19 तारीख को यहाँ पर तमाम लोग आएंगे, और आज जो मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि दूर दूर से लोग आए इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, और आज जो ताला है विश्वविद्यालय का जरूर खुलेगा। धरना केवल ऋतु मैम के लिए नहीं है, ये धरना पूरे उस शोषित समाज के लिए है जिन्हें सदियों से दबाया गया है, झुकाया गया है, शिक्षा से वंचित रखा गया है। और आज जब हमारे लोग इतनी तादाद में दिल्ली विश्वविद्यालय की धरती पर आए हैं और ये वाइस चांसलर को आह्वान देना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं, प्रोफेसर ऋतु को नौकरी पर वापस नहीं रखते हैं और सविता रॉय को जेल नहीं भेजते हैं, तो हम इससे आगे चलकर और भी बड़े धरने करेंगे और वाइस चांसलर को उसकी औकात याद दिलाएंगे। ऋतु मैम जो है वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से एक शिक्षिका है और बहुत होनहार शिक्षिका है। दुनिया के किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में अगर वो अपनी काबिलियत अगर बताए तो मैम का सिलेक्शन ज़रूर होगा वहाँ और उनका मौका मिलेगा पढ़ाने का। लेकिन यहाँ पे भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैम को नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। और न्याय मैम का ही न्याय नहीं है, यहाँ सभी दलित शोषित वंचित लोगों का न्याय है जो दबाया गया है, जो कुचला गया है ना। RSS वाले जो मनमानी करते हैं, अभी सिर्फ वो राम राज्य, अगर राम राज्य आ रहा है तो आप क्या खाने के लिए देके जाएंगे, पीने के लिए देके जाएंगे? राम जी आएंगे तो क्या करके जाएंगे? बच्चे शिक्षाओं के लिए तड़पते हैं, अभी तो कोचिंग वगैरह भी बंद कर दी जाएंगी, 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जा पाएंगे, ये क्या कर रहे हैं? राम जी आएंगे तो ये चीज़ें मतलब लेके आएंगे खाने पीने के लिए, आप क्या? राम जी मेरे को ही बताओ, जभी तो राज करेंगे। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन राम जी आएंगे तो क्या देकर जाएंगे आप ये बताइए ना। केजरीवाल जी हैं, वो भी RSS की दूसरी शाखा ही समझ लो, क्योंकि दूसरी टीम है वो भी RSS की। अब उन्होंने क्या कर दिया कि मतलब हवन करवाओ, सुंदरकांड करवाओ, और अभी शुक्रवार को आप क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करवाओ। ये केजरीवाल जी के खुद हैं और उनके जो विधायक वगैरह वो चीज़ें करवा रहे हैं। समाज की बेटी है, हमारे बाबा साहब को मानने वाली बेटी है, हमारे न्याय समानता और सामाजिकता की बेटी है। उस नियम को, उस सिद्धांत को हम भी पूरी तरह फॉलो करते हैं कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, और जो समानता सामाजिकता में विश्वास रखता है वो बाबा साहब का फॉलोवर है और वो ऋतु सिंह का भी फॉलोवर है। ऋतु सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो और किसी हमारे समाज की बेटी के साथ ना हो, वो इसी चीज को उन्होंने भी विरोध किया और इस विरोध के प्रदर्शन में हम भी आए हैं। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।